मोतीचूर घाट पर 60 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, देर रात तक डटे रहे पुलिस व प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी। दरअसल दो वर्षों से कोरोना काल के चलते सभी धार्मिक आयोजन सामान्य तरीके से किए गए, लेकिन इस वर्ष गणेश उत्सव का पर्व लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसके चलते गणेश विसर्जन की तैयारी भी बड़े ही जोर शोर से की गई। बड़ा मंदिर मोतीचूर घाट पर पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी देर रात तक मौजूद रहे। नगरपालिका प्रशासन ने मोतीचूर समिति के सदस्यों के सहयोग से मोतीचूर घाट को सजाया, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। देर रात तक सड़कों से गणेश प्रतिमाएं निकलती रहीं, जिसमें श्रद्धालु झूमते गाते हुए घाट तक पहुंचे, जिसके चलते सभी चौराहे पर पुलिस जवान तैनात रहे। वहीं मोतीचूर घाट पर हाइड्रा की मदद से छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जहां पर गोताखोरों की मदद से पुलिस की मौजूदगी में विसर्जन किया जा रहा था और समिति सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पानी में उतरने की अनुमति नहीं थी। हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा शांति समिति की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये रात्रि 9 बजे तक अनिवार्य रूप से सभी को अपनी गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए जो अनुरोध किया गया था। आज मूर्ति विसर्जन को देखते हमारे द्वारा ऐसे व्यवस्था की गई, जिसमें जो विसर्जन स्थल है मोतीचूर नदी पर, यहाँ पर मोतीचूर समिति जो है उनके द्वारा नगर पालिका और राजस्व की टीम और पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर उपस्थित है। और जो चौराहे हैं, बड़े बड़े चौराहे, जैसे सरोदय चौक है, अम्बेडकर चौराहा है, गांधी चौराहा है, यहाँ पर हम लोगों ने विशेष बल लगाया है और बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ में हमने एक बंदे भी लगाए हैं, जो मूर्तियों की हमें लगातार लोकेशन दे रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ 75% से ज्यादा मूर्तियाँ विसर्जित हो चुकी है अभी तक, और जो भी थोड़ी मूर्तियाँ हैं उनको भी हम जल्दी विसर्जित करा रहे हैं। गणेश विसर्जन के उत्सव पर हमने जो रेगुलर हमारी जो तैयारियां रहती हैं हर त्यौहार पर, उसमें क्रेन की व्यवस्था, 8 गोताखोर हमारे द्वारा लगाए गए हैं, हमारे नगर पालिका के सभी 8 ARI भी लगे हैं और सभी हमारे सफाई कर्मचारी और इंजीनियर भी यहां पर लगे हुए हैं। इसी के साथ इस बार हमने 12 बलून और जो हमारा भैरव घाट वाला मंदिर है जहाँ से नाला भी निकलता है, वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की वो शीट लगा कर उसको सौंदर्यीकरण में कार्य किया गया है। सदस्य सब जी जान से जुटे हैं, हमारे एक नहीं आज 2 दिन से जुटे हुए हैं, और व्यवस्थाओं में जहां भी कमी रहती है, चाहे नगर पालिका वाले CMO मैडम बोलें या SDM तहसीलदार, जो काम कहीं भी मिलता है हमारी पूरी समिति जी जान से करती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हम लोगों का यह रहता है कि प्रशासन के साथ सुरक्षित विसर्जन कराना पहला हम लोगों की प्रायोरिटी रहती है, कि सुरक्षित विसर्जन हो, कोई जनहानि अथवा कोई दुर्घटना ना हो, पहला ये काम रहता है। और अधिकारी हम लोगों के साथ मीटिंग करते हैं कैसा क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रा का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था कि हाइड्रा अपन बुलवाएं और वहीं से अपन मूर्तियां लेके और सुरक्षित करवाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग ये करते हैं, एक तो सुरक्षित, दूसरा हम लोग घाट को बहुत सुंदर बनाते हैं, लोग विसर्जन के अलावा विसर्जन का कार्यक्रम देखने आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सदैव मीडिया का हम लोगों को सहयोग रहता है और मीडिया अप्रिशिएट करती है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ऊर्जा का संचार होता है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही कि सुरक्षित विसर्जन, घाट को बहुत शानदार तरीके से सजवाना, हमारे PPY दादा SD गोस्वामी जी, राकेश जी, हमारी समिति के सेक्रेटरी उदय भैया, सभी का पूरे समिति की, मतलब आप ये बता दें कि 2 दिन प्रशासन के साथ हम लोगों को भी जुटना पड़ता है, तब कहीं जाके यहाँ पर सुरक्षित विसर्जन हो पाता है।